वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर नंबर 2। सेकेंड पेपर हमने कवर कर लिया है, उसका एनालिसिस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जाके आप लिंक से देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर 1 की, जो आया था आपके 2021 में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए में। आपको मालूम है फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज क्या रहता है, कंपल्सरी रहता है। ठीक है, इसको आपको प्रेजेंट करना है 150 वर्ड्स में। सबसे पहले देखते हैं क्या आया था। अगर आपको बता दें ये बात कि एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी थी इसके लिए, तो एनसीईआरटी से सिंपल आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी करना मस्ट है आपके लिए, आपके ऑप्शनल के लिए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप परिचय दे रहे हैं कि आपको आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है आपका, लेकिन आत्मविश्वास जो है वो गलत चीज का है। अब देखते हैं फर्स्ट ए में आपसे पूछ रहा है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स यानी 150 वर्ड्स यानी कि 2 पेजेस। ठीक है, और कितने पेजेस भरने होते हैं, क्या भरने होते हैं, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे हमने आंसर राइटिंग को थोड़ा सा पढ़ा है उसके बारे में, किस प्रकार से करनी है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से कितने पेजेस हमको भरना है। नेक्स्ट सवाल ये पूछ रहा है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंट्यूशन। सबसे पहले आपको बताना होगा कि इंट्यूशन क्या होता है एंड कॉमन सेंस क्या होता है। ठीक है, दोनों ही चीजें बहुत बेसिक सी हैं। हम बोलते हैं कि किसी एक्स पर्सन में कॉमन सेंस की कमी है। कॉमन सेंस एक्चुअली साइकोलॉजिकल टर्म्स में है क्या, वो हमको बताना है। एंड व्हाट इज इंट्यूशन, कि हम जो फील करते हैं उसके लिमिट्स क्या है ना। मेन फोकस रखना है हमको किस पे, लिमिट्स पे, कि इंट्यूशन जो है और कॉमन सेंस जो है इसके लिमिट्स क्या है। और फिर अगला आपसे पूछ रहा है, ये आप भरेंगे एक पेज में। देन आपसे पूछ रहा है व्हाई डू साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक मेथड्स। जितनी भी साइंटिफिक मेथड्स हैं उस पे ही साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज क्यों करते हैं, इसको आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1B, अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट द रोल ऑफ, एक रोल बताना है आपको किसका, साइकोलॉजिस्ट का, इन रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कभी कभी आपको भी होता होगा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसको एक साइकोलॉजिस्ट किस प्रकार से रिजॉल्व करता है, क्या क्या मेथड्स यूज करता है। ठीक है, एंड सोशल अनरेस्ट। ठीक है, सोशल अनरेस्ट जब हो जाता है, हमारे देश में तो ये होता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है सोशल अनरेस्ट, इसके बारे में एक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होना चाहिए, उसको आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है, इसमें आप बता सकते हैं साइकोलॉजिस्ट किस टाइप के होते हैं और किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स में मेनली मदद करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक आपका जो है थोड़ा सा आपका सेकंड पेपर से रिलेट करता है, अप्लाइड साइकोलॉजी से। देन फर्स्ट सी आपसे पूछ रहा है डिस्कस द चैलेंजेस ड्यूरिंग ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, जब आप ग्रुप की क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उस प्रोसेस में आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, है ना, उसको चैलेंजेस डिस्कस करना है आपको, अगेन 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताएंगे व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, क्या प्रोसेस पूरी कार्य करती है, और फिर आप बताएंगे क्या क्या चैलेंजेस में फेस करते हैं। अगला है आपका 1D, इसमें आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास मीडिया। ये हमने देखा था कि पेपर 2 में भी ये सवाल आया था, है ना, मीडिया से संबंधित, इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट्स। ठीक है, सपोर्ट विद द इट अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिपीटेड देख रहे हैं पेपर 1 में भी। ठीक है, इसको सपोर्ट करना है आपको एग्जाम्पल के थ्रू, कि जो मास मीडिया है किस प्रकार से बिहेवियर शेपिंग में मदद कर रहा है। ठीक है, या फिर क्या रोल है इसका, मदद नहीं कर रहा, क्या रोल है इसका, कि बिहेवियर के एडोलेसेंट्स में किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, ये आपको बताना है 10 मार्क्स के लिए। ये आपका चल रहा है 2021 का ऑप्शनल का पेपर नंबर 1। 1E में आपसे पूछ रहा है विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्शन इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमोनी इन जुडिशियल ट्रायल। तो कहीं ना कहीं ये आपका एनसीबी का जो केस चल रहा था आर्यन खान वाला, कहीं ना कहीं वहां से आपको थोड़ा बहुत ये लिंक करने मिलता है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्शन, कि हाउ अ मेमोरी इज कंस्ट्रक्टेड, ये आप थोड़ा सा बताएंगे इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमोनी। ठीक है, तो जो बोलते हैं कि हम वारदात जहां पे हुई वहां पे मौजूद थे, आई विटनेस टेस्टिमोनी का क्या एक्यूरेसी होती है जुडिशियल ट्रायल में, वो आपको बताना है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप एक पेज में बताएंगे कि मेमोरी कंस्ट्रक्शन की कंसेप्ट क्या है, क्या प्रोसेस होती है, और अगले पेज में बताएंगे आप व्हाट इज आई विटनेस मेमोरी टेस्टिमोनी, किस प्रकार से कार्य करती है जुडिशियल ट्रायल के दौरान। देन ये थे आपके बेसिक क्वेश्चन जो 5 आपको सॉल्व करना ही करना है किसी भी हालत में 10 मार्क्स के लिए। अब देखते हैं सेकेंड ए। अब यहाँ पे देखिए, जैसा आपने देखा था कि पेपर 2 में क्या होता है, आपके पेपर 2 में आपको पहले 15 मार्क्स मिलते हैं, देन 15 एंड देन 20। यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, पहला ही सवाल आपको दे रहा होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, थोड़ा सा ये भी साइकोलॉजिकल ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करना है इस क्वेश्चन में। ये आपको फिल करना है 4 मार्क्स के लिए, सॉरी 4 पेजेस के लिए, ये आपको करना है 3 पेजेस के लिए, एंड ये भी करना है 3 पेजेस के लिए। हाउ डू बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च डिफर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा ये पूछा है आपसे कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च किस प्रकार से डिफर करती है। अगर आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आपने केवल फर्स्ट चैप्टर में जाके एनसीईआरटी की 11th क्लास की अगर आपने पढ़ी होती तो वहां से आपको मिल जाता आपके नोट्स। ठीक है, बेसिक आपको मिल जाता कि बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी
मतलब एप्लाइड रिसर्च जो है किस प्रकार से डिफर करती है। एक्सप्लेन हाउ नॉलेज फ्रॉम बेसिक रिसर्च हेल्प सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई भी नॉलेज हमको मिलती है किससे, बेसिक रिसर्च से, तो किस प्रकार से वो मदद करती है कि हम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें, ये आपको एक्सप्लेन करना है 20 मार्क्स में। तो दो पेजेस आप लेंगे सिंपली बेसिक और अप्लाइड को डिफर करने के लिए, क्या क्या इसमें एग्जाम्पल्स देंगे आप। ठीक है, और फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट टू पेजेस में कि हाउ नॉलेज फ्रॉम बेसिक रिसर्च, तो बेसिक रिसर्च के थ्रू एक्चुअली बेसिकली जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं उससे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आप क्या मेंशन करेंगे यही आपको बताएगा कि आप दूसरों से एक्स्ट्रा मार्क्स लाएंगे या नहीं लाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड है बी 15 मार्क्स का, अगेन 3 पेजेस आपको फिल करने हैं। डिस्कस द फैक्टर्स कॉजिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन इन द एल्डरली। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ठीक है, आपका जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है वो क्या क्यों कॉज होता है उसका कारण बताना है आपको। ठीक है, कॉग्निशन मतलब आपकी जो मेन मेमोरी, सॉरी आपकी जो प्रोसेसेस होती हैं मेंटल प्रोसेसेस, उसमें आपकी जो परसेप्शन इंटेलिजेंस इस सब में जो आपका डिक्लाइन होता है एल्डरली में, ये क्यों होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है सवाल है आपसे पूछा है डिस्क्राइब द बॉटम अप है ना एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो हम अपने फील करते हैं किससे, अपने सेंस ऑर्गन से। ठीक है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या होती है और बॉटम अप क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स में। ठीक है, हल्का सा स्लाइड टफ क्वेश्चन है इसलिए इसको थर्ड में रखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल 3A, ये आपसे पूछ रहा है 20 मार्क्स के लिए। हाउ मच नेचर एंड नर्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पर्सन्स फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। किसी भी व्यक्ति के फिजिकली, उसके कॉग्निशन में, उसके मेंटली एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में कोई भी जो नेचर है, जेनेटिक फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं और नर्चर एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज नेचर, व्हाट इज जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए किस प्रकार से मदद करते हैं। 20 मार्क्स का है तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है किस प्रकार से आपकी स्कूलिंग हुई है। ठीक है, और भी कई चीजें आती है एनवायरमेंट में, कौन से एरिया में रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, और किस प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूट करता है फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के दौरान। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल है 3B, अगेन 15 मार्क्स पे पूछ रहा है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। काफी सिंपल है क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग तो मुजवानी याद होनी चाहिए, उनके साइंटिस्ट के नाम। और हाँ, ऐसे जब आपको टॉपिक मिलते हैं तो आप साइंटिस्ट के नाम एक्सप्लिसिटली मेंशन करना चाहिए आपको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको +1 +2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे दूसरों से। इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स इन रियल लाइफ। तो क्लासिकल कंडीशनिंग से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है रियल लाइफ में आप कैसे कर सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, कौन सा साइंटिस्ट था, क्या वहाँ पे प्रैक्टिकली किया गया था, रिसर्च क्या की गई थी। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग को हम रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टॉयलेट का बिहेवियर जो हमने एक PYQs में देखा है, ठीक है, टॉयलेट का बिहेवियर बच्चों में सुधारने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके क्या कॉग्निशन काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। 15 मार्क्स में देखना है आपको इसका आंसर। 3C में देखते हैं एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी एंड सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है, और फिर सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या होता है आपके ह्यूमन बिहेवियर में। ठीक है, आप रह रहे हैं मान लीजिए अंडमान में, अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, और एक बच्चा रह रहा है चाइना में। ठीक है, तो इन दोनों के जो सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव है काफी डिफरेंट है और इन दोनों का बिहेवियर काफी डिफरेंट होगा। ठीक है, अंडमान निकोबार में आप जाएंगे तो काफी आपको हॉस्टाइल लोग मिलेंगे वहाँ के, बेसिकली चाइना या फिर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे हॉस्टिलिटी आपको कम देखने मिलेगी। ठीक है, एक प्रकार का ये भी बिहेवियर है क्योंकि वो जो सीख रहे हैं। साथ ही साथ कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी किस प्रकार से हेल्प करती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका बिहेवियर के रूप में, ये आपको एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट है 4A, व्हाई इज सेलेक्टिव अटेंशन इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप हर चीज में अटेंटिव रहे, है ना, सेलेक्टिव अटेंटिव अटेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको बताना है। डिस्कस द थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, अगर आपको थ्योरीज मालूम है सेलेक्टिव अटेंशन की तो उसको भी एक्सप्लेन करिए 20 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको अब पेजेस तो फिल करना ही होंगे। ठीक है, और अच्छे कंटेंट के साथ फिल करना होंगे, तो इसमें आप 4A में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पूछे गए हैं, तो इसको आप अवॉइड करें और ऊपर के जो है उसको सॉल्व करने का ट्राई करें आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे देखिए ये सिंपल सवाल है नेचर नर्चर का, आप कई बार पढ़ते हैं। देन 3B क्लासिकल कंडीशनिंग, 35 मार्क्स में आप जब अच्छा आंसर लिख सकते हैं तो यहाँ पे आप को दिख रहा है कि एक 20 मार्क्स में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाई विच मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इन्वेस्टिगेट जेंडर डिफरेंसेस इन एग्रेसिव बिहेवियर एट द वर्कप्लेस। ठीक है, तो या मेल या फीमेल्स में एग्रेसिव एग्रेशन किसमें ज्यादा होता है, ये करंट अफेयर्स में भी था। ठीक है, क्यों ज्यादा होता है इसको आप लोग एलेबरेट करना है 15 मार्क्स में। तो बेसिकली आप इजी क्वेश्चंस पे जाएं, है ना, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स दूसरों से 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा ऊपर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
देन 4C में आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कीमास, स्कीमास कैसे फॉर्मेशन करते हैं, निमोनिक किस तरह से फॉर्म करते हैं, है ना, डिवाइसेस इन एक्सपर्टीज इन एक्सेप्शनल मेमोरी में, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आप अगर आप एक्सपर्टीज और एक्सेप्शनल मेमोरी की बात कर रहे हैं तो कोई एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले दीजिए वहां पे मेमोरी के रिगार्डिंग जिसने क्या किया हो, जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी हो। एक मेरे ख्याल से आपको बैरन में या फिर सॉरी सिसरेली में एक ऐसे आदमी का नाम दिया हुआ है जिसकी मेमोरी उसको हर चीज याद हो जाती थी, ठीक है, तो इसमें उसके निमोनिक और स्कीमास की बात करेंगे कि किस प्रकार से हेल्प करते हैं और उनका क्या रोल होता है, हेल्प करते हैं बेसिकली रोल क्या होता है 15 मार्क्स में, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन बी, आपके 1.5 घंटे हो चुके हैं, 1.5 घंटे में आपको ऊपर में सवाल करने हैं। नेक्स्ट अगला बात करते हैं सेक्शन बी की, अगेन हमको देखते हैं 5 कंपलसरी क्वेश्चन। पहला दिया हुआ है 5A में, सम साइकोलॉजिकल मेजर्स कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड, एलैबोरेट इट विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल मेजर्स हैं जो क्या है, रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है, ठीक है, 10 मार्क्स में इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट आता है IQ स्कोर्स प्रोजेक्ट सक्सेस इन एकेडमिक जॉब एंड अदर लाइफ आउटकम्स इवेल्युएट, तो आपको बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, इसमें इवेल्युएशन करना है कि IQ का जो स्कोर है वो किसी की सक्सेस बता सकता है एकेडमिक में, जॉब में और अदर लाइफ के आउटकम्स में, ठीक है, क्या वो जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा एकेडमिक्स में या जॉब में या फिर कुछ दूसरी चीजों में, ये आपको एक्सप्लेन करना है थ्रू IQ स्कोर। इसमें क्या कर सकते हैं आप, बढ़िया सा एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, कि इस प्रकार से IQ काम करता है, ठीक है, आपने डायग्राम देखा हुआ है तो उसको बनाएंगे तो थोड़ा सा आपके मार्क्स +1 +2 इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। अगला है व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, ये इसको डिस्कस किया था हमने एक लेक्चर में नेट वाले के एग्जामिनेशन में। डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एनहेंसिंग सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी बेसिकली होती क्या है ये भी आपको नहीं मालूम, चुपचाप से जाइए NCERT खोल के पढ़ लीजिए, बड़े ही इजी लैंग्वेज में दिखाया हुआ है, ठीक है, कि आपको मालूम है कि आप 3 घंटे में इतने आंसर्स लिख पाएंगे, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आप कर पाएंगे प्रॉपरली या नहीं, यही डिपेंड करता है आपकी सेल्फ एफिकेसी पे, ठीक है। तो एग्जांपल दे सकते हैं आप खुद का, व्हाइल आई एम राइटिंग दिस आंसर, इस प्रकार से आप अच्छा आंसर फ्रेम करेंगे तो जो सामने वाला पढ़ रहा है उस पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने वहीं बैठे बैठे रियल लाइफ में रियल टाइम एग्जांपल दिया है आपने, ठीक है, तो जब वो कॉपी चेक करेगा और बोलेगा कि अच्छा इस बंदे ने तो यहाँ पे UPSC के बारे में ही बताया हुआ है कि जब वो एग्जामिनेशन दे रहे हैं 3 घंटे में तो उनकी सेल्फ एफिकेसी किस तरह से काम करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट इज नॉट यूनिवर्सली अचीव डिस्कस, ठीक है, कोई भी फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट है वो क्या है, यूनिवर्सली अचीव नहीं कर सकते हम, इसको आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चन में ट्राई करें, थोड़ा सा आप जल्दी निकले यहाँ से, है ना, जितना भी आपको समझ में आ रहा है उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट है गिव अ क्रिटिकल, क्योंकि देखिए 10 मार्क्स का है ना, यहाँ अगर आपको आपने 4-5 मार्क्स भी स्कोर कर लिए तो वेल गुड। गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑन द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, एप्ट टेस्ट की जो बात हो रही है उसको हमको बताना है टू प्रेडिक्ट प्रोफेशंस फॉर हाई स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से क्या करेंगे हम, प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोफेशन लेंगे हाई स्कूल चिल्ड्रन के लोग, ठीक है, क्रिटिकली इसको क्या करना है, अप्रेज करना है, अगेन 10 मार्क्स के लिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, आर वी बॉर्न विद पर्सनैलिटी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये, आर वी बॉर्न विद पर्सनैलिटी, क्या हम पैदा हुए हैं अपने व्यक्तित्व को लेकर पर्सनैलिटी को लेकर, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है विद थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो कई सारी थ्योरीज आई हैं इस पे, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग आपका टॉपिक नंबर 14, लास्ट टॉपिक में से आपको 15 मार्क्स का दिया हुआ है। देन सी में आता है डिस्कस द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन एंड इट्स मेजरमेंट, इमोशन को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, उसके फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या क्या है, उसका मेजरमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, MSCIT टेस्ट है, ठीक है, मेयो सेल्वे का, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप 15 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7A में, हमको दिया हुआ है 7A में बात करें विच अप्रोचेस टू मोटिवेशन आर कॉमनली यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी अप्रोच हम यूज करते हैं मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, उनको बताएंगे कि आपको ईयरली क्या हो आपकी पॉजिटिव साइड में, आपकी सैलरी हाइक होगी, ठीक है, या अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट होगी, तो इससे क्या होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, वर्क मोटिवेशन को बढ़ावा मिलेगा। हाउ दिस अप्रोचेस माइट हेल्प टू सस्टेन और इंक्रीज मोटिवेशन, किस प्रकार से मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है 20 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, कौन कौन से प्रकार होते हैं मेडिटेशन के और उसके इफेक्ट बताना है हेल्थ एंड वेलबींग के, है ना, सब्जेक्टिव हेल्थ एंड वेलबींग की बात हो रही है SHB की, 15 मार्क्स में इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सीधे सीधे आपका स्मारक स्वयं से पूछा गया है। सी में बात करें डिस्कस द यूज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द वेरियस डोमेन्स ऑफ प्रैक्टिस इन साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में किस प्रकार से कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं उसको आपको बताना है साइकोलॉजी के अंदर 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछ रहा है आपसे ह्यूमंस स्ट्राइव टू असाइन कॉजेस टू एक्शंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स एंड फॉल इनटू ट्राइब्स ऑफ बायस एंड एरर्स, इसको आपको डिस्कस करना है 20 मार्क्स के लिए।
ठीक है। बी में पूछ रहा है डिस्कस द कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल डिटरमिनेंट्स ऑफ द बिलीफ इन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अभी तक देखिए पूछा नहीं गया था, लेकिन 2021 में आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। सी में अब बात करें, गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द बिहेवियरिस्टिक एंड नेटिविस्टिक पर्सपेक्टिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो बिहेवियर वालों का और नेटिव वालों का किस प्रकार से पर्सपेक्टिव था, क्या परसेप्शन था लैंग्वेज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ये आपको एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स में, ठीक है। अगेन आपका टॉपिक नंबर 13 या टॉपिक नंबर 12 से ये आपको पूछा गया है, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में किस प्रकार से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये थे सारे सवाल आपके पेपर नंबर 1 के, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, तो ये सारे सवाल आप चाहें तो आपको भेज सकते हैं लिख के, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9826992769 इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको चेक करके बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से आंसर राइट कर रहे हैं, ठीक है। 2023 के लिए हमारे बैचेस खुले हुए हैं, तो आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन भी आप इसी नंबर से ले सकते हैं। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।